एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। तो हमारे साथ है डॉक्टर अनीता शाह, जो सूरत की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, और विश्व महिला दिन पे हम उनका स्वागत और सम्मान डी कुशाल भाई ज्वेलर की ओर से और एक्जोटिक परिवार की ओर से उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। अनीता जी, विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और अनीता जी के बारे में हम जानना चाहेंगे ज़रूर, वो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रही है और काफ़ी सारी संस्थाओं में भी उनका योगदान है। तो अनीता जी, पहले तो विश्व महिला दिन की आपको शुभकामनाएं, और किस तरह से आपकी जो जर्नी रही है, ये गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आप है, तो वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, और थैंक यू वेरी मच यामिनी फॉर जस्ट गिविंग दिस मच ऑनर टू मी। मित्रों, मैं डॉक्टर अनीता शाह सूरत की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं 1988 से गायनेक प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरी अनीता हॉस्पिटल एक उधना में है और दूसरा क्लिनिक सिटीलाइट पे है, और मैं सूरत की हमारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। और मुझे कहते हुए यामिनी बहुत खुशी होती है कि मैं जब प्रेसिडेंट थी तो हमारी सूरत की गायनेक सोसाइटी को हमारी ऑल इंडिया की फॉक्सी जो संस्था है उसके द्वारा बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड मिला था। मैं उधना मेडिकल एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। मैं हमारा जो इंडियन मेनोपोज सोसाइटी, हमारी ऑल इंडिया की जो संस्था है, उसका सूरत चैप्टर मैंने खुद 2006 में शुरू किया था। मैं सूरत के कंसल्टेंट मेडिकल एसोसिएशन की भी सेक्रेटरी रह चुकी हूँ, और अभी मैं हमारे इंडियन मेनोपोज सोसाइटी की नेशनल लेवल की सेक्रेटरी हूँ। जो हमारी ये संस्था है यामिनी, उसका मेन स्लोगन है फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम, इट इज़ माय पैशन आई कैन से लाइक दैट, बहुत सारी स्कूलों में, बहुत सारी पब्लिक संस्थाओं में जाके लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बहुत सारी कामगिरी मैं करती हूँ, और उसमें मुझे दिल से बहुत मज़ा आता है। जी, मेरी जर्नी के बारे में अगर बताऊं यामिनी, तो हम लोग ऐसा हमेशा कहते हैं कि आफ्टर एवरी मैन देर इज आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वूमन। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी सक्सेस के पीछे भी आई वुड लाइक टू सैल्यूट 3 मेल्स। फर्स्ट माय फादर, जो एक हम मिडिल क्लास फैमिली थे, उसमें से मुझे डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने काफ़ी जहमत उठाई, और मुझे डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने मेहनत करके मुझे डॉक्टर की पढ़ाई में आगे बढ़ने दिया। सेकंड माय फादर इन लॉ, जो मेरी शादी के बाद, मैं MBBS हो गई, उसके बाद में मेरी शादी हो गई, और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो गायनेक में मैंने किया, वो मेरी शादी के बाद मैंने मेरे इन लॉज के यहाँ से किया जी। और मेरे फादर इन लॉ जो उन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए बिल्कुल रोका नहीं, और दूसरा घर का जो कुछ मैनेजमेंट था उन्होंने पूरा योगदान दिया जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ सकूँ। और जैसे मैं डॉक्टर बन गई, MD बन गई, उसके बाद में आई यूज टू अटेंड सो मेनी हाईएस्ट पोजिशन इन अवर एसोसिएशन। तो उस दरमियान भी मेरे फादर इन लॉ मुझे हमेशा अलाउ करते थे, जब कभी कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे घर पे 25-30 डॉक्टर्स की मीटिंग होती थी, तो वो एक कोने में शांति से बैठ के बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करते थे और हंसते रहते थे। और थर्ड इज माई डियर हबी, माई हस्बैंड डॉक्टर जयंत। जब मैं MBBS पास हुई और मेरी शादी हो गई, माई हस्बैंड वॉज डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस एंड ही वॉज डूइंग वेरी गुड प्रैक्टिस, तो मेरी इंटर्नशिप में भी मैं उसके साथ उसके क्लिनिक पे जाती थी। तो जब मैं MBBS हो गई, तो मेरे दिल में तो पहले ऐसा ही था कि बस मैं भी उसके साथ क्लिनिक पे बैठ जाऊँगी, बट उसने ऐसा मुझे बताया कि नहीं, बींग अ फीमेल यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग फीमेल। फिर फीमेल को आधी ट्रीटमेंट दे के बाकी की ट्रीटमेंट के लिए दूसरे डॉक्टर के पास भेजना पड़े, उससे अच्छा है कि आप ही पूरा
आगे फीमेल का स्टडी कर लो. तो ही इंसिस्टेड मी एंड ही जस्ट आई कैन से ही पुश्ड मी फॉर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑब्स्टेट्रिक इन गायनेकोलॉजी एंड आफ्टर दैट आई बिकम एमडी गायनेकोलॉजिस्ट. एंड ये भी मुझे कहते हुए बहुत आनंद होगा कि मेरा 1988 में मेरा फोर्थ ईयर एमडी का कंप्लीट हुआ और उसके बाद में मैंने 4 महीने के बाद ही मेरी हॉस्पिटल शुरू की. तब मेरे छोटे बेटे को 4 महीने के बेटे को लेके मैं हॉस्पिटल जाती थी और माय हस्बैंड विथ माय मॉम दे यूज़ टू ब्रिंग माय बेबी फॉर फीडिंग एट माय हॉस्पिटल. सो मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे आज जो कि जो भी कुछ हूँ मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के सहयोग से हूँ. अदरवाइज इट वॉज इम्पॉसिबल टू अचीव हाइएस्ट पोस्ट इन ऑल दिस एसोसिएशन एंड डूइंग दिस मच वर्क. क्योंकि कई बार हमने देखा है ना कि हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी है उसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी आप पढ़ो कुछ भी करो लेकिन ये घर का चीज तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं चलेगा. बट टिल टुडे आई हैव नेवर फेस्ड दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड माय हस्बैंड एंड माय ऑल फैमिली मेंबर्स हैव जस्ट गिवन मी फुल छुट्टा दौर मुझे दिया और उसकी वजह से मैं सब कुछ अचीव कर सकी हूँ. एक मुझे हंसी वाली बात अभी याद आती है. जी बताइए. जब मैं हमारे सूरत गायनेक सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी और हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यूजुअली आई ऑल्सो यूज टू टेक माई किड्स फॉर प्रेयर्स और जब डूइंग सम फेलिसिटेशन लाइक दैट. तो एक कॉन्फ्रेंस हमारी हो रही थी, मेरी बेटी प्रेयर के लिए आई थी, तब लगभग वो 8-10 साल की थी. तो बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ गायनेक सोसाइटी एंड अटेंडिंग ऑल दस फैकल्टीज हु हैड कम फ्रॉम आउटसाइड, आई वॉज गिविंग मोर अटेंशन टू दोज पीपल. तो मेरी बेटी ने एक अच्छा डायलॉग मारा था, मम्मी तू तो जाने प्रेसिडेंट बनी गई इतने भूली गई कि तारी भी कोई बेटी छे. सो आई वेन एवर आई रिमेम्बर दैट आई फील सो समटाइम्स ऑल्सो आई फील गिल्टी ऑल्सो दैट फॉर माई एम्बिशंस आई मे हैव सम मिस्ड फॉर रेयरिंग ऑफ माई चिल्ड्रन. बट मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और दे ऑल्सो हैड कोऑपरेटेड मी. दिस ईयर व्हेन आई एम सेक्रेटरी ऑफ इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एंड ड्यू टू दिस कोरोना पेंडेमिक वी हैव बिकम डिजिटलाइज्ड एंड वी आर अरेंजिंग ऑल वेबिनार्स थ्रू आउट द दिस ईयर. तो उसमें भी मेरे बच्चे लोग काफ़ी हंस के मेरी मजाक करते करते भी मुझे, जैसे हॉस्पिटल से काम निपटा के घर पे आती हूँ सीधी लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ, तो दे ऑल्सो जस्ट मेरी मजाक उड़ा लेते कि मम्मी हाँ आज तू वहली आ गई, आज तारू वेबिनार हसे एटले तू वहली आ गई. सो फ्रेंड्स ऑन दिस वुमन्स डे ऑफकोर्स आई हैव नाउ बींग आई एम ऑनर्ड बाई हैविंग माई डॉटर इन लॉ ऑल्सो and she is also a very young talented girl. She has shared all my responsibility of the hospital surgical work and all the things. And yamini mujhe kehte hue anand hota hai ki abhi main dadi bhi ban gayi. So this year I have achieved so many things. And on this women's international women's day I would like to advise each and every woman, चाहे वो बच्ची हो या मिडल यंग एडल्ट हो या तो मेनोपोजल लेडी हो, हर लेडी को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज़, हम लोग मानते हैं ना कि स्त्री एक इट इज़ शी इज़ जस्ट लाइक एन एक्सेल ऑफ अ फैमिली, उसके पीछे पूरा फैमिली रोटेट होता है. वी कैन से दैट द होल यूनिवर्स इज मूविंग आफ्टर अ वूमन. तो उसकी हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यंग किशोरी अवस्था में हो या यंग लेडी हो या तो मेनोपोजल वूमन हो. तो उसकी ख्याल, जैसे औरत माँ के पेट में हो तब से ही उसकी केयर लेनी चाहिए. सो हर वूमन को जब वो प्रेग्नेंट हो तब से उसके पेट में जो बच्चा पैदा पल रहा है उसकी उनको केयर करनी चाहिए. तो प्रॉपर एंटीनेटल केयर एज वेल एज प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन एंटीनेटल पीरियड में लेना चाहिए. जब एक लड़की पैदा हो जाती है तो हमारी पुरुष प्रधान सोसाइटी में भी नाउ
वी आर गिविंग इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल बोथ. सो लड़की को भी उसी तरह अच्छी तरह से पालना चाहिए, उसकी भी हर खुशियाँ हर ड्रीम्स पूरे करने चाहिए, उसमें कुछ पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए. और किशोरावस्था में लड़की जो आती है तब से उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें उसको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह से न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ऐसी बीमारी से बचना हो तो उसकी शुरुआत हमको एडोलेसेंट पीरियड से करनी चाहिए. तो हर यंग गर्ल को हमको एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंस समझाने चाहिए. एक्सरसाइज मीन्स खाली वो स्कूल में पीटी की कवायद करते हैं वो नहीं, एक्सरसाइज कैन बी इन एनी फॉर्म. यू कैन डू साइकिलिंग, यू कैन डू स्विमिंग, यू कैन डू डांसिंग, एनीथिंग शुड बी डन. देन इन केस ऑफ मिडिल एजेड वूमन, हर औरत को बहुत सारी लोगों में मेंस्ट्रुअल जब प्रॉब्लम्स होते हैं, आई विल जस्ट टच द गायनेक एस्पेक्ट मोर. तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ऐसे ही मान लेते हैं. मान लो कि 40-42 साल की औरत को अगर एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन होता है तो वो ऐसा ही मान लेगी कि अभी तो ये मेरा मासिक जाने का समय आएगा, उसकी वजह से ये ऐसा होता है. बट ऑफकोर्स वी ऑल्सो नो दैट इन केस ऑफ पेरीमेनोपोजल पीरियड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन. बट अनलेस एंड अंटिल इट इज़ प्रूव्ड अदरवाइज कि दूसरा कोई पैथोलॉजी नहीं है उसके सिवा, उसको खाली उसको इतना मान के बैठा नहीं रहना चाहिए. एंड दैट्स वाई आई वुड लाइक टू एडवाइज ईच एंड एवरी वुमन एस्पेशली ऑफ द अबाउट द एज ऑफ 40 दैट दे शुड कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट एवरी ईयर. जस्ट लाइक यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एज वेल एज योर एनिवर्सरी, ऑलवेज सेलिब्रेट वन डे फॉर योर गायनेकोलॉजिस्ट. ऑलवेज गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना चेकअप करवाओ. गर्भाशय के मुख का कैंसर भविष्य में नहीं होवे उसके लिए जो स्क्रीनिंग प्रोसेस पैप टेस्ट होती है वो करवाइए. एक बार सोनोग्राफी करवाइए जिसके जरिए आपका गर्भाशय की साइज, गर्भाशय में कोई गांठ है, गर्भाशय की दीवार की थिकनेस, अंडाशय के बारे में पूरा नॉलेज मिल सकता है. तो एक बार साल में एक बार सोनोग्राफी भी करवाइए और ब्रेस्ट कैंसर अवेयर स्क्रीनिंग के लिए एक बार मेमोग्राफी भी करवाओ. जी, ये मेरी ये वुमेंस डे पे हर औरत को ये सलाह होगी. वुमेंस डे सेलिब्रेट ऐसे भी कर सकते हैं आप, अपने आपका खुद चेकअप करवा के भी आप कर सकते हैं. और अभी हमारी जो ऑल इंडिया की जो फॉक्सी संस्था है उसमें ये वुमेंस डे के सेलिब्रेशन वही तरह से किया गया, यानी नहीं कि हमने कैंसर स्क्रीनिंग और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हमने करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट ने फ्री या तो वेरी मिनिमम चार्जेस के साथ स्क्रीनिंग फॉर द पैप टेस्ट किया और ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी स्क्रीनिंग किया. जी. अभी मैं हर औरत को ये चाहूँगी कि मिड लाइफ ऑफ अ वूमन, अ वूमन की मिड लाइफ वूमन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. क्योंकि उसका जो पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस का निचोड़ है उसकी वजह से वो फैमिली और सोसाइटी को काफ़ी अपलिफ्ट कर सकती है. तो मैं चाहूँगी कि हर औरत को फिट एट 40, फैंसी एट 50, स्ट्रॉन्ग एट 60, सेक्सी एट 70, इंडिपेंडेंट एट 80, नॉटी एट 90 एंड हेल्दी एट 100 रहना चाहिए. तो ही हर औरत अपना ज़िंदगी का पूरा समय अच्छी तरह से एंजॉय कर सके. जी जी, बहुत अच्छी बात है अनीता जी, आपने वुमेंस डे पे बहुत ही अच्छी बात कही है. और हमारी जो महिलाएं हैं और अपने आप का किस तरह से ध्यान रखे, आपने बहुत मतलब अवेयरनेस की भी बात की और फिट रहने की भी बात की है. और हमने आज जाना है कि अनीता जी के बारे में जो जाना है, शायद किसी को पता ना हो कि अनीता जी कौन सी संस्था में काम करती है, क्या करती है. ओनली फॉर गायनेकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर की डिग्री लेके नहीं बैठी है लेकिन काफ़ी सारी संस्थाओं में वो काम करती है. जो हमारा शीर्षक है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आप बिल्कुल फिट है, आत्मनिर्भर नारी है आप और काफ़ी कुछ कर रही है, अपने परिवार को भी संभाल रही है, परिवार को साथ लेके अपना व्यवसाय भी अच्छी तरह से संभाल रही है. तो बहुत बहुत शुभकामना अनीता जी आपको, और फिर से ही ऐसी हमारी
आत्मनिर्भर नारी के साथ हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।